कैरी भाई ने जब वीडियो बनाई, बोलते हैं कि बड़े यूट्यूबर्स हैं परमिशन लेके रोस्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, परमिशन नहीं। कहते ना कि हर चीज को बोलने का एक समय होता है, जब लोग बोलते हैं तब मैं नहीं बोलता। सो हे गाइस, जैसे कि आप सभी को बताइए, कैरी मराठी ने जो ना सभी डेली ब्लॉगर्स को लेकर के एक पैरोडी वीडियोस निकाला था, जिसमें कि उन्होंने जो ना सभी पॉपुलर डेली ब्लॉगर्स को जो ना थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर दिया था। उसी वीडियो में उन्होंने जो ना फ्लैंगविज सर को भी रोस्ट कर दिया था। अब दोस्तों इसी को लेकर जो ना फ्लैंगविज सर जो ना कैरी मराठी से काफी ज्यादा एंग्री दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि सभी लोग कहते हैं कैरी मराठी जो ना जिस पर भी रोस्ट वीडियोस बनाते हैं उनसे जो ना वो पूरी परमिशन लेकर के जो ना उनपे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ना कैरी मराठी ने फ्लैंगविज सर से कोई भी परमिशन नहीं ली थी। इसी को लेकर के उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट भी किया था, जिसे कि आप पढ़ सकते हो। इसके बाद उन्होंने अपनी वीडियोज में बताया कि वो जो ना कैरी मराठी पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियोस लेके आने वाले हैं। आप खुद ही से देखिए उनकी वीडियोस का वो छोटा सा क्लिप। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि एंग्जायटी मुझे कैरी मराठी के रोस्ट की वजह से हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक ट्वीट भी किया था, कैरी भाई ने जब वीडियो बनाई, बोलते हैं कि बड़े यूट्यूबर्स हैं परमिशन लेके रोस्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, परमिशन नहीं ली गई थी। बट उसका रिप्लाई मैं दूंगा आज शाम को 5 बजे कुछ ड्रॉप करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी देखिएगा जरूर। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को बोलने का एक समय होता है, जब लोग बोलते हैं तब मैं नहीं बोलता, लेकिन आज शाम को 5 बजे मैं बोलूँगा। अपना ख्याल रखिए भाई। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या फ्लैंगविज सर सही में जो ना कैरी मराठी पर एंग्री हो गए? आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।